करते हैं बोर्ड पेपर 2023 से क्वेश्चन नंबर 33। तो इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा है कि द मंथली एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क इन 200 फैमिलीज ऑफ ए हाउसिंग सोसाइटी इज गिवन बिलो। तो इस तरीके से ये हमको एक डाटा दिया हुआ है और यहाँ पे ये कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब इस डाटा के अंदर नंबर ऑफ फैमिलीज में जो ये एक्स है ये पता करना है, एंड ऑल्सो फाइंड द मीडियन एंड मीन एक्सपेंडिचर ऑन मिल्क। तो मीडियन और जो मीन एक्सपेंडिचर है इस डाटा का ये हमको पता करना है। तो करते हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व। तो इससे पहले कि इस क्वेश्चन को सॉल्व करूं, मैं चाहूंगा कि मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि इस तरीके का जो कंटेंट है बनाने के लिए मुझे मोटिवेशन मिल सके। तो करते हैं इस क्वेश्चन को स्टार्ट। तो यहाँ पे जैसे कि दिया हुआ है 1000 से लेकर और 1500 में, यहाँ पर 24 है और यहाँ पर 1500 से लेकर 2000 तक जिनका भी मंथली एक्सपेंडिचर है उसका जो डाटा है, मतलब जो नंबर ऑफ फैमिलीज है, ये 40 फैमिलीज है। इसी तरीके से 2000 से 2500 के बीच में 33 फैमिलीज है, और इसी तरीके से जो सेम डाटा है वो नीचे तक दिया गया है और हमें पता करने के लिए कह रहा है कि ये जो एक्स है ये क्या होगा। तो क्योंकि यहाँ पर जो नंबर ऑफ फैमिलीज है ये टोटल 200 है, तो इसी का हमें इस्तेमाल करना है, तो हमें सबको प्लस करना है साइड में। तो यहाँ पर 24 प्लस 40 प्लस 33 फिर प्लस एक्स, फिर उसके बाद है प्लस 30 और फिर है प्लस 22 और फिर उसके बाद है यहाँ पे 16 और फिर है 7, और इन सभी को प्लस करने के बाद में जो हमारा आंसर है ये 200 आ रहा है। तो यहाँ पर अगर हम इन सभी को प्लस करेंगे तो जो हमारा आंसर है ये आ जाएगा 172, और जो ये x है इसको हम अलग से ऐड कर लेंगे। तो ऐसे करके ये 200 बन रहा है। तो अगर x को हम यहीं पर रहने देंगे और 200 इस 172 को इसके पीछे अगर लेकर जाए तो ये हो जाएगा माइनस में 172, और जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 28। तो जो x की वैल्यू है यहाँ पे तो ये आ गया है 28 और ये हमारा आंसर हो गया इस x की वैल्यू के लिए। फिर उसके बाद इस क्वेश्चन के अंदर कह रहा था मीडियन निकालने के लिए, तो अब हम देखते हैं कि मीडियन किस तरीके से हम निकाल सकते। तो इससे पहले इस डाटा का जो x है ये हमने निकाल लिया था 28 जो कि यहाँ पर था। अब हमें इस क्वेश्चन के अंदर मीडियन पता करना है, तो मीडियन पता करने के लिए सबसे पहले हम चलेंगे इस एन से। तो जो हमारा n है ये हो जाएगा n इज इक्वल टू 200, तो अगर हम इसका n बाय 2 करें तो ये हो जाएगा 200 अपॉन में 2 विच इज इक्वल टू 100। फिर n बाय 2 के बाद में हमें यहां पर एक चीज और करना है, एक तो ये f है मतलब फ्रीक्वेंसी, और एक हमें कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी का भी डाटा बनाना पड़ेगा। तो जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है हम किस तरीके से करते हैं, तो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी के लिए हम यहाँ पर जैसे 24 है तो 24 को हम यहाँ पर सेम लिखेंगे और लास्ट तक ऐड करते हुए चले जाएंगे। तो जब हम इसको इसके अंदर ऐड करेंगे तो ये आ जाएगा 64, और फिर अगर हम इसके अंदर ऐड करें तो ये आ जाएगा 97, फिर अगर हम यहाँ पर ऐड करें इसको तो ये आ जाएगा 125, और फिर अगर इसमें ऐड करें तो ये आ जाएगा 551, फिर उसके बाद में अगर इसमें 22 ऐड करें तो ये आ जाएगा 177, और 177 में अगर 16 ऐड करें तो ये आ जाएगा 193, और 193 में अगर हम 7 ऐड करें तो ये हो जाएगा 200। तो क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं जो लास्ट है हमारा ये 200 है और इधर भी सॉल्व करके 200 आ रहा है, मतलब हमने सही एडिशन किया है। तो ये हमारा जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है ये आ गया। अब यहाँ पर जैसे कि हम देख रहे हैं कि जो n बाय 2 है ये 100 है, तो इसको हम जो कुमुलेटिव फ्रीक्वेंसी है इसमें किसी दो नंबर के बीच में हम इसको देखेंगे कि किसमें लाई करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जैसे 97 और 125 है, तो इस दोनों नंबर के बीच में जो ये 100 है ये आ सकता है। तो जो इस 100 से जो कम होता है, जो छोटा होता है, वो हमारा सीएफ होता है। तो इसीलिए जो सीएफ है ये हो गया 97। अब जो इसमें से इस 100 से जो नंबर ग्रेटर होता है, जैसे 125 ग्रेटर है इस दोनों वैल्यू में, तो इस 125 के हमें सीधे सीधे चले जाना है। तो अगर हम सीधे जाएंगे तो जो हमारा फोर्थ डाटा इधर 1 2 3 4, तो फोर्थ डाटा यहाँ पर 28 है, तो ये जो 28 है ये हमारा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा 28। और फिर उसके बाद में अगर हम इसके सामने सामने अगर हम देखें तो ये जो है ये हमारा एल माना जाएगा, जो लोअर लिमिट है। इस 28 के सामने हमें लोअर लिमिट मिल जाता है, तो लोअर लिमिट यहां पर L25 100 है। उसके बाद में अगर हम इन सभी का गैप देखें तो इन सभी में 5500 का गैप है, तो इसीलिए जो H है ये हमारा 500 हो जाएगा। अब जैसे कि मीडियन का जो फॉर्मूला है ये हम यहां पर पुट कर देंगे, तो जो मीडियन का फॉर्मूला है ये होता है मीडियन इज इक्वल टू L प्लस N बाय 2 माइनस CF
अपॉन में एफ, और इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई एच से। तो एल जो है यहां पर यह है 2500, फिर उसके बाद एन बाय टू, तो एन बाय टू यहां पर है 100, और इसमें अगर सी एफ माइनस करें जो कि है 97, और अपॉन में जो ये एफ है यह है 28, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे एच से, और एच जो है ये हमारा निकला था 500, तो मल्टीप्लाई 500, फिर उसके बाद इस 2500 को हम एज इट इज लिख लेंगे, और प्लस 100 माइनस 97 3 इंटू में 500 अपॉन 28। तो अगर हम इस 2500 प्लस इसको मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 5 3 15 अपॉन 28। तो 2500 में अगर हम 1500 को 28 से अगर हम डिवाइड देंगे तो ये आ जाएगा 53.57, और अगर हम इसको भी सॉल्व करें तो जो हमारा मीडियन एक्सपेंडिचर है वो आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद में ये आ जाएगा 2553.57, और ये हमारा आंसर हो जाएगा मीडियन के लिए। तो इस तरीके से इसका हमने मीडियन निकाल लिया। अब करते हैं फाइंड आउट मीन, तो देखते हैं किस तरीके से मीन निकाला जाता है। तो यहाँ पे हमने दोबारा से सेम डाटा बना लिया है, तो जो नंबर ऑफ फैमिलीज है तो ये है एफ, और उसके बाद में ये है हमारा क्लास इंटरवल। तो क्लास इंटरवल एफ आई, अब इसके बाद में हम जो क्लास मार्क है एक्स आई वो हम निकालेंगे। तो जो क्लास मार्क होता है ये हम किस तरीके से निकालते, तो इस दोनों के बीच में जो नंबर है वो हम कैसे निकालते, तो इस दोनों को हमें प्लस करना है और दो से डिवाइड दे देना है। तो ये हो जाएगा 2500 अपॉन में 2, तो इसका जो हाफ है ये हो जाएगा 1250। इसी तरीके से इस दोनों को भी हमें सम करके दो से डिवाइड देना है, तो ये आ जाएगा 1750। अब मैं इसको इसी तरीके से फटाफट इतने के ही डिफरेंस में, मतलब 500 के डिफरेंस में इसको मैं सम करते हुए नीचे तक चले जाऊंगा, तो ये हो जाएगा 2250, फिर होगा 2750, फिर हो जाएगा 3250, फिर आ जाएगा 3750, फिर होगा 4250, और उसके बाद जो लास्ट है ये हो जाएगा 4750। तो इस तरीके से ये जो एक्स आई है ये निकल गया। अब यहाँ पर हम डी आई निकाल सकते हैं, तो जो डी आई है ये हम कैसे निकालते हैं, एक्स आई में से ए को माइनस करके। अब ए क्या होता है, इसको हमें अज्यूम करना होता है इसी डाटा के अंदर, जो एक्स आई हमने बनाया है इसमें से बीच का जो नंबर होता है वो ए होता है। तो यहां पर जिस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 डाटा है हमारे पास में, 8 नंबर्स है, तो इसमें से जो बीच वाला नंबर होगा वो हो जाएगा 4, मतलब 8 डिवाइडेड बाय 2, तो फोर्थ जो टर्म है वो आप ले सकते हो, तो फोर्थ ले लो चाहे फिफ्थ ले लो। तो इस दोनों में से आप कोई भी एक नंबर को चूज करके उसको आप ए असाइन कर सकते हो कि वो ए है। तो अगर हम यहां पर देखें तो इसको हम मान लेते हैं कि 2750 ये ए है, तो अब हमें इस डी आई को बनाने के लिए एक्स आई में से ए को माइनस करना है, मतलब इस ए को 2750 को सम में से माइनस करना है इसमें से, मतलब माइनस 1250 माइनस 2750। तो अगर हम इसको माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1500। इसी तरीके से अगर हम इसमें से इसको अगर हम माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 1000। तो क्योंकि हमने 5500 का गैप लिया था, इसी तरीके से इधर भी जो वो वैल्यू है वो 5500 का जो गैप है वो नीचे तक चलता चला जाएगा। तो ये आ जाएगा माइनस 500, फिर हो जाएगा यहां पर 0, फिर आ जाएगा 500, फिर उसके बाद में 1000, और फिर उसके बाद में 1500, और फिर यहां पे लास्ट में आ जाएगा 2000 अगर हम 500 इसके अंदर ऐड कर दे। तो इस तरीके से ये डी आई निकल गया। अब यू आई निकालने के लिए, इसे हमें जो डी आई है इसे एच से डिवाइड देना पड़ेगा, डी आई अपॉन में एच। तो एच जो होता है ये होता है क्लास साइज, मतलब जो डिफरेंस है इन सब का ये होता है, मतलब यहाँ पे जो 500 है ये हमारा एच होगा जो गैप है बीच का। तो अगर हम इसको डी आई को अगर एच से डिवाइड देंगे, मतलब 500 से, तो ये डाटा हमको मिल जाएगा। तो इसके नीचे अगर हम 500 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 3, फिर उसके बाद अगर इसको हम करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस 2, फिर माइनस 1, फिर 0, फिर 1 2 3 और फिर 4। तो इस तरीके से ये जो यू आई है ये मिल गया हमको। अब इसको अगर हम सॉल्व करें तो माइनस 3 और
एक्चुअली हमें यहां पर लिखना भी पड़ेगा। तो ये आ गया यू आई, अब इसको एफ आई और यू आई को हमें यहां पर मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा। तो एफ आई और यू आई, तो ये होगा 24 को अगर हम माइनस 3 से अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा माइनस 72, फिर अगर 40 को माइनस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 80, और 33 को माइनस 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 33, 28 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 0, और 30 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 30, फिर 22 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 44, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 48, और 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 28। तो यहां पर हम इसको सॉल्व करके लिख लेंगे। अभी अगर 72, 80 और 33 को अगर हम इस तीनों को अगर हम सॉल्व करें, मतलब प्लस करें, तो इस तीनों का जो आंसर है ये आ जाएगा -185, और अगर इस चारों को प्लस करें तो इसका जो आंसर है ये आ जाएगा 150। अगर इस -185 के साथ में अगर 150 को हम अगर प्लस करें तो ये आ जाएगा -185 + 150 = -35। तो ये जो डाटा है इसका जो सम है एफ आई यू आई का जो सम है ये आ जाएगा -35। अब इस मीन को निकालने के लिए हम एक फॉर्मूला लगा लेंगे जिसको हम स्टेप डेविएशन मेथड बोलते हैं। तो इसके हिसाब से तो मीन निकालने के लिए हम स्टेप डेविएशन मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो इसका जो फॉर्मूला होता है मीन एक्स बार, तो ये हो जाएगा ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन में सिग्मा एफ आई, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम एच से। तो यहां पर जो हमारा ए है जो अज्यूम हमने किया था, तो अगर एक बार हम इस दोबारा से इस डाटा को देखें तो जो हमारा ए है वो है 2750, ये ए है, और एच हमारा 500 है, और जो एफ आई यू आई है ये है -35। तो 2750, -35 और 500, तो इन सभी का हमें इस्तेमाल करना है, और एक है फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी हमारा 200 है। तो इस चारों को हम इस्तेमाल करेंगे, और इसके लिए हम इसको यहाँ पर लिख भी लेते हैं। तो स्टेप डेविएशन मेथड के अंदर जो मीन है हम इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, और ये जो फॉर्मूले के अंदर जो भी वैल्यूज जो पुट होंगी वो हमने सारा का सारा यहाँ पर लिख लिया है। जैसे कि ए जो है वो 2750 था, फिर एफ आई यू आई जिसको हमने सम किया था वो -35 आया था, और एफ आई इसका अगर हम सम करते तो ये 200 आया हुआ था, और जो एच है ये है 500। अभी सभी वैल्यू को हम इसके अंदर पुट कर देंगे और सॉल्व कर देंगे। तो 2750 ये ए हो गया, और एफ आई यू आई यहाँ पर है -35, और इसके नीचे है एफ आई, और एफ आई यहाँ पर है 200, और इसको मल्टीप्लाई हमें करना है इस एच की वैल्यू से जो कि है 500। तो 20 जो है वो 20 से कैंसिल हो जाएगा, बाकी जो नंबर बचेगा वो है 2750, और प्लस माइनस माइनस, और 35 को अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करें तो ये आ जाएगा 87, और 87.5, क्योंकि साथ में हम 2 से भी डिवाइड करेंगे, तो सभी नंबरों को करने के बाद में ये आ जाएगा एक पॉइंट यहां पे, और अगर इसको इसमें से सब्ट्रैक्ट अगर हमने किया तो ये हो जाएगा 2662.5 रुपीज। तो क्योंकि जो मीन रुपीज है एक्सपेंडिचर जो अमाउंट है वो है 2662, और ये हमारा आंसर हो गया एक्चुअली जो हमारा आंसर 2662.5, ये हमारा आंसर आ गया। तो इस तरीके से जो मीन है वो हम निकाल सकते हैं। तो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।